प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है और बलरामपुर जिले में भी धान की खरीदी जोरों पर है। जिले में धान की खरीदी के लिए 37 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खरीदी केंद्र में भारी अनियमितता की जा रही है और फर्जी तरीके से धान लेने का मामला सामने आ रहा है। शिकायतों के आधार पर बलरामपुर कलेक्टर ने आज कई समिति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और सभी जगह अनियमितता पाई। कलेक्टर ने सबसे पहले तातापानी समिति का निरीक्षण किया। वहां भारी अनियमितता को देखते हुए और पानी से धान को बचाने का समुचित व्यवस्था न देख समिति प्रबंधक और अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई। उसके बाद भंवरलाल समिति का निरीक्षण किया गया। यहां पर पाया कि कई किसान फर्जी तरीके से धान बेचने की कोशिश कर रहे थे। कलेक्टर इसके बाद महावीरगंज समिति में जांच करने पहुंचे और वहां भी कई तरह की अनियमितता पाए जाने पर समिति प्रबंधक और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वही कई किसान डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनाकर धान बेचने के फिराक में थे। उन सभी की ऋण पुस्तिका जब्त कर तहसीलदार को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिले के सबसे हाई प्रोफाइल समिति केंद्र त्रिकुंडा के औचक निरीक्षण में पहुंचे और वहां जाते ही पाया कि समिति में धान खरीदी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है और समिति का प्रबंधक शराब का सेवन किए हुए है। खरीदने के बाद इसमें चढ़ाते ना तो इसमें दस्तखत ले लीजिए तो उसके लिए मालूम होगा करके लाते हुए उसके पास ऋण पुस्तिका रहेगा। जैसे ही फड़ में पहुंचेगा, फड़ में ट्रैक्टर के नंबर नोट होंगे, उसकी ऋण पुस्तिका नोट होगी। ऋण पुस्तिका हमारा जो मॉड्यूल से जो तैयार सूची है उसे मैच करेगा। वो ऋण पुस्तिका के साथ और टोकन है उसके साथ लेके आएगा। उसकी धान की क्वालिटी अच्छी होगी। मॉइस्चर मीटर यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये मैं निर्देश दिया हूँ कि जितने भी धान की खरीदी हो रही है ये क्वालिटी से खरीदने के लिए जो समिति के जो अध्यक्ष हैं, समिति का जो प्रबंधक है और हमारा जो प्रभारी है और इसके संचालक मंडल हैं, ये सब लोग संयुक्त रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी किसान का धान हम लोग अच्छे से खरीदेंगे। सरकार ने 300 रुपये बोनस तय किया हुआ है। नई सरकार आज शपथ ग्रहण ले रही है और 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने का वादा उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए ऋण माफ़ी का वादा है, इसके लिए प्रशासन बहुत सतर्क है और इस सतर्कता के नाते ही मैं इनको कहना चाहूँगा सभी समिति के अध्यक्ष लोगों से कि वो ये ना समझें कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर किसान की जिम्मेदारी है, समिति की जिम्मेदारी है, हमारे कोऑपरेटिव विभाग की जिम्मेदारी है, फूड डिपार्टमेंट की है, राजस्व प्रशासन की है और ये सभी लोग जो हैं जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो किसी भी तरह से लोग बाग जो तथाकथित कोचिया या कोचिया लोग हैं किसान के नाम से नहीं खरीदेंगे। भारी संख्या में हम लोगों ने अपनी तैनाती करके ये निरीक्षण हम लोग करा रहे हैं और मैं खुद भी निरीक्षण कर रहा हूँ और ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह से कोचिया के नाम पे कोई खरीद के बेची जाएगी धान की तो उसकी जांच होगी और कानूनन कार्रवाई भी होगी। सर जैसा देखा गया है कि कई जगहों पर फर्जी ऋण पुस्तिका भी पाई गई है, सर उन लोगों पर कैसे कार्रवाई की जाएगी? नहीं भी महावीर में आपने देखा है 4 सस्पेक्ट पाए गए हैं, हमने उसको रोका हुआ है। एक ही रकबा की और रकबा खसरा का 2 ऋण पुस्तिका हमने देखा, उसको अभी तहसीलदार को जांच के लिए दिया हुआ है। सर उसको जो जारी किए हैं उनके ऊपर भी नहीं, तो जारी करने वाले की जान पहचान तय कर ली जाएगी, जिम्मेदारियां तय हो जाएगी। सोनवानी पटवारी निलंबित है बहुत पहले से, मैं अप्रैल में ज्वाइन किया हूँ उससे पहले निलंबित है और उसका निलंबन अभी भी जारी हुआ है। उसकी जाँच SGM साहब कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ इसी तरह से फर्जी ऋण पुस्तिका बनाए जाने की गंभीर शिकायतें हैं। विभागीय जांच पूरा होने पे क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है तो वो भी करेंगे ना।